तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट का आज का फैसला रीट शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट ने आज रीट 2017 प्रमाण पत्र वाले को अंतरिम रूप से राहत करते हुए 2022 रीट में शामिल करवाने के आदेश दिए। कोर्ट ने एनसीटी नियमों का हवाला देते हुए भर्ती में शामिल करवाने के लिए कहा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से रघुनंदन शर्मा ने पैरवी की, कुलदीप बेनीवाल की तरफ याचिका दायर की गई। तो यहाँ पर देखिए 2017 प्रमाण पत्र वाले भी शामिल होंगे थर्ड ग्रेड में। तो ये आज का फैसला राजस्थान हाई कोर्ट का। इसके अलावा अभी बीएड बीएसटी से मुद्दे पर भी जो फाइनल वाले उनको भी मौका मिलेगा थर्ड ग्रेड में, और इसके अलावा एक अन्य मुद्दों को लेकर भी हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। तो ये तीसरा फैसला रीट 2017 प्रमाण पत्र वाले को अंतरिम रूप से राहत दी है राजस्थान हाई कोर्ट ने। इसके अलावा थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने मौका दिया था अभ्यर्थियों को मिली राहत। अध्यापक भर्ती में फीस जमा कराने के लिए 3 दिन का समय जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिया था। आप कल से यानी 28 जनवरी से 30 जनवरी तक फीस जमा करा सकेंगे। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका आवेदन फाइनल सबमिट हो गया लेकिन फीस जमा नहीं हुई या फीस रिफंड हो गई। ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड ने फीस जमा कराने के लिए 3 दिन का समय दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि फीस जमा कराने से वंचित रहे अभ्यर्थी 28 जनवरी से 30 जनवरी तक अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से फीस जमा करा सकेंगे। तो दोस्तों आपको 3 दिन का मौका कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिया है। इसके अलावा कल गणतंत्र दिवस के मौके पर भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री का बयान यही है कि 1701 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए। इसके अलावा बेरोजगारों को शिक्षक भर्तियों में यानी शिक्षक भर्तियां भी निकाली है और अभी चल रही है प्रक्रियाधीन थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। तो बड़ी बात दोस्तों यही है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट 2017 प्रमाण पत्र को लेकर विद्यार्थियों को राहत दी है थर्ड ग्रेड में। ठीक है।